सन्यासी बाबा की हेलो मैं गुरु जी के पावन चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ अपनी तरफ से एक छोटा सा नाटक है मजा आए तो तालीम बजाइयो ना आए तो कोई बात नहीं अब देखियो जो लायक का ब्याव लाख होगा और पतो है नहीं है क्या क्या करगा ओ कु अरे कहा है इताई मेड़ पे है तुम मेड़ पे ना हाँ भगिया मेड़ पे क्या कर रहा हो जा के रे हाँ तू हाँ तो तैयार हो जाए अच्छो हम तो हैं ये देखा जाए उन्हें आज देखा जाए उन्हें तो ये ब्याह के लाने हम वो ब्याह होने हाँ हो। ब्याह होने अबे ना हुज्जे पे जब थर्टी बंदियाँ जब हुज्जे का है ब्याह लाख होता तो है दुल्लू मिलने दुल्लू मिलने कंदूला मिले, और मिले। <laughs> तो, तो तो, सही है आओ तो अच्छे हो जाओ तैयार ठीक है वो हो नहीं तैयार <laughs> हमें लगा रिश्तेदार आ गए गड़ा गाँव जो आइया का, का? हाँ हाँ तुम तो माया आ गए देहरादून में गड़ाई गाँव है भैया तो जा भीड़ नहीं दिखा रही अच्छा रिश्तेदार तुम ठा रहे हमने सुनी थी तुम अल्लाह का बड़ा सुशील सुंदर है अरे दस गांव में नहीं है मोहे लायका लायका अरे बेन दे पंचू हाउस नन्ना को लड़का है नाम ही सबने की देखे देख देख लो देख लो रिश्तेदार और जो कछू पूछ ले इसे पूछ लो बहुत समझदार है बहुत तो ज्यादा पढ़ो लिखो जो तो और बढ़िया है पूछ लो पूछ लो कहा नाम भैया तुम आप हम काकू अच्छा हाँ घर में तो तुम्हारे कछु नहीं दिखाते हैं सब ढंग को है जब भैंस गया बनी जा बुढ़िया हो तो गई अब नहीं भी बिहार बुढ़िया हो गई माए भाई भाई कछु दिन में बताओ तो घर में कछु नहीं ऊपर से भैंस ये ये सुबह ही बूढ़ी हो गई ठटरी पर आ गोगे सब पे आप कहे 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 भैया रिश्तेदार कर कहे है के दिए सी हम ने कछु नहीं कही बेकत जब भैंस हमने ने की बूढ़ी हो गई अरे तो सास ही नहीं बोल ले बूढ़ी हो गई ए? जा के दे तो जा जाता बूढ़ी हो गई अब 40 नंगई चाहे बे लाबी और कहां नहीं जा बाबे आ होने हाँ ठीक है आपकी के ये सही कह दे मलक के बताएंगे दस पंद्रह को पूछे ठीक है हम हाँ हम तो कह हाँ नहीं लग सका। आपकी ये सही कावी हाउ ठीक है हाँ 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 तो तो। <coughs> और जो हुआ का नन्ना की बकरी हाउज हाओ जू अच्छी आवाज भाई, भाई, भाई राम राम पहुंचे राम राम पहुंचे ज्यादा नो तुम बहुत जबा है जा कई भाई टेम लग ढूंढत ढूंढत एक छोड़ पे बस एक गाँव की लम्मा लम्बे दूर हो मैंने सुनी थी के एक लायका है अपनो जो नही पूछ लो जो कछु पूछने हो अच्छा। सुशील सुन है। अच्छा पूछ लो पूछ लो बेटा राम राम हाओ। हाओ। जय राम जी और... राधे 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 सीताराम सीताराम जय श्री राम जय श्री राम सीधे खड़े रहो हम दिया होते बेटा जब भैंस की किया बंदी जब बंदी जब भैंस अकेली नानियो चालीस जब है बुढ़िया चालीस नंग, नंग सभी लगा थे चालीस नंग हर तो तो भाई बड़ो गए है ये भी आओ तो यह करने ब्याह और जो ट्रेक्टर है ट्रेक्टर तो मिटूआ है जो जो नहीं अब चलाते ट्रेक्टर तो खराब होगा है, है। चला तो जंगल ए। तो लग गई ये गए नहीं करने ब्याो टाइम टू धाओ कैसे जुताई उठाई होगा माला। दायराम, दाया। 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 मन सदा राम राम पहुँच जाए मन तो भाव टेक टाइम मिटोधाओ और चालीस नंग भैंसे है हमने तो से कही थी अब देखियो तुमने बढ़ा दी, से दी। ट्रेक नहीं थी, हम से अरे तो सब बढ़ा देंगे हमने कर, जो भी है कछु भी पूछे सब में बड़ा के बिल्कुल बड़ा के जब होने भी आओ, ठीक है हाँ ठीक है तो ऐसा ही कहा हम तो कछु भी पूछे सब में बड़ा चढ़ा के बतावे जी में बहुत अच्छो खाए है बड़ो पैसा बान को फिर मिल जाए दुल्लु मिल जाए दुल्लु न टोड़ाओ लग गया लगा तुम्हें ठीक है भैया राम 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 पहुंचे जी राम पहुंचे राम राम कह भैया बनना भैया को ना जे जा सही आ गए अच्छा हाँ जे जा। आ देखो मैं भटकू नहीं है भैया राम राम पुंचे। राम पहुंचे राम पहुंचे राम पहुंचे जो कही मा जी हो हमने हाँ तनक सुनो तो अपनो एक ठैया बछेरु है बछेऊ हाउ मान लो बाल बच्चो तनक कु है नाय का होई तो अब तुम के बछेऊ हाउ तो बछेरु कहो जात हम आई भाषा में तनक अच्छा अच्छा तो भली हाँ। so, सो ऐसा कहते अगर ना हो तो तनक दिखा देते मुझे जो नहीं छाड़ो तुम तो वैसे पूछ लो जो कैसे पूछने अच्छा आओ हाँ, पूछ लो बेटा ना आओ वो मोरे पुत्र अरे 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 बेटा तुम तो नकल में हमला फायवट रहे हुई हो हाँ बेटा... तो ये करा हमें दस करने अच्छा जो कहीं बेटा अपनों नाव का है हमारा नाव काकू काकू खाई जात नहीं काकू ना हम हमारा पप्पू ना हमारे दस पंद्रह नाओ है अच्छा हाँ। जो काई बेटा, जो गया है 40 हाँ। अच्छा। हाँ। नंग है चाय भेगा चालीस नंग सभी बेहानी है सभी दूध देती पूरी भैंस है हमारी अच्छा बेटा जो ट्रैक्टर धरो जो ट्रैक्टर एक है पांच ट्रैक्टर है जो वाली तो जो खेतन में जुत में लगे हे अच्छा ओ बेटा जमीन कितनी है का जमीन हमारी तना का है हाँ। अरे पचहत्तर एकड़ है पे उकुगा पे उमरगोलन में नदिया पे मने आई जगह है हमारे लगा जो तो बहुत अच्छा रहो जो आका बेटा है पिताजी पिताजी का एक है मने आए पिताजी एक जे है एक मौसी के गाय एक मम्मा के गाय एक दो तो बजारे ही गाय का बेटा एक बासन मोज रहे पिताजी मने आए है ओ तो पिताजी मने आए है तो हम ऐसा नहीं करने भाई राय गाय गई की लेने ओ नन्ना भैया भा, भाई गो मालक मन भाईगा <laughs> मालक ऐसा करो मो तो भाईगा लेकिन आप जितने जाने हो इनके पिता श्री हैं

बुंदेलखंड के महाकुंभ का आगाज होना था एक मार्च से लेकिन दो दिन पहले ही शुरू हो गया और आज बुंदेलखंड की उन विधाओं को हमने बहुत दिन बाद देखा जो विधाएं बड़ी अद्भुत हैं जिनकी महिमा बहुत अद्भुत है बुंदेलखंड की भाषा ब्रिज भाषा से मिलती जुलती है यू माने ब्रज भाषा का जैसा प्रभाव रसीले पन और मीठेपन में है ठीक उसी की सगी बहन बुंदेली भाषा है और अलग अलग स्थानों से बुंदेलखंड की महिमा अलग अलग विधाओं से बुंदेलखंड की महिमा पूरे विश्व में पहुंचाई जा रही हमारे मन में भाव था कि पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर पूरे विश्व के अभिनय जगत के लोग अथवा सरस्वती के कृपा पात्र गंधर्व विधा को निभाने वाले लोग आएंगे तो ये कितना अद्भुत संयोग है प्रारंभ किससे हुआ बुंदेलखंड के कलाकारों से विराम किस पर होगा भारत के सुप्रसिद्ध गायक सोनू निगम के द्वारा ये हमारे बुंदेलखंड की माटी का गौरव है कि एक साथ सात से दस दिन के अंदर हम उन लोगों को लाइव सुन पाएंगे जिनको हम लोग सुनने के लिए कई बार प्रयत्न करते हैं कोशिश करते हैं मोबाइलों पर देख करके मन में भाव रखते हैं कि एक बार सुन लें वो लोग एक साथ बागेश्वर धाम के मंच पर पहले ही दिन जवाबी कीर्तन जवाबी कीर्तन में शशिराज कमल और कल्पना दुबे इनके द्वारा जवाबी कीर्तन होगी दूसरे दिन भी भजन संध्या है, तीसरे दिन खेसारी लाल यादव की भजन संध्या चार मार्च को मनोज तिवारी और अक्षरा सिंह की भजन संध्या पांच तारीख को फिर कवि सम्मेलन तारीख को पराग की भजन संध्या सात तारीख को कन्हैया मित्तल की भजन संध्या आठ तारीख को जब 155 सौ पचपन बराते यहाँ आई होंगी भावर पड़ रही होगी सहनाइया बज रही होगी बेटियों का मन और हमारा मन बड़ा भारी होगा उसी बीच में भारत के सभी संत जिनमें जगत गुरु द्वाराचार्य पूज्य श्री मलुक जी महाराज और जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज कोशिश है कि आठ तारीख को जगत गुरु पूज्य गुरुदेव भी आ जाए परंतु स्वास्थ्य का कारण है तो हम ज्यादा प्रयत्न नहीं करेंगे प्रार्थना वर करेंगे तो हमारे गुरुदेव स्वस्थ रहे हमारे लिए यही हम हमारे लिए यही बहुत अच्छा है उनकी उपस्थिति ही है लेकिन आठ तारीख को जब यह पाड़ी ग्रहण समारोह होगा उस वक्त सोनू निगम जी सुंदर भजनों के साथ में इस बुंदेलखंड के महाकुंभ के समापन की ओर ले जाएंगे एक मार्च को हमारे आज 28 फरवरी के इस महोत्सव में पूरे गांव के जो वैसे तो सब लोग नहीं पर जो जो आ पाए हैं गांव के लगभग बहुत लोग आते हैं पर कुछ लोग काम में कुछ लोग गाड़ियों में फंसे, कुछ लोग में फंसे, तो एक फायदा होता है कि हम तो, के हैं। <clears throat> तो कुछ लोग गाँव के कुछ लोग गांव के होने के नाते वहां भी है पर आज गांव के लोगों के द्वारा बुंदेलखंड के सभी कलाकारों का सम्मान हुआ है और गांव के लोग सभी सम्मिलित हुए हैं हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि एक मार्च से बहुत ज्यादा काम बढ़ जाएगा यज्ञ भी यहाँ प्रारंभ हो जाएगी यहाँ कथा में कथा व्यास श्री इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज आ जाएंगे सभी संताना प्रारंभ होंगे एक तारीख को दीप प्रज्वलन के दिन श्री चंद्र ठाकुर जी आ रहे और पूज्य श्री श्याम सुंदर पारासर जी भी आ रहे हैं और पूज्य श्री हमारे प्रिय भ्राता संजीव कृष्ण शास्त्री जी भी आ रहे हैं और अभी एक तारीख को माननीय रक्षा मंत्री जी के आने का था लेकिन संसद प्रारंभ हो रही तो कल परसों हमारी फोन से बात हो रही थी तो बोले गुरु जी उस वक्त जो है बहुत जल्दी पूरे मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर आ, आचार संहिता लगने वाली है तो टिकटों का वितरण होना है इसलिए जो है उनकी अनुपस्थिति मुश्किल है कालांतर में वो यज्ञ के बाद में वो पहुंचेंगे क्योंकि अभी वो उसमें बैठक में रह जाएंगे बाकी अन्य जितने भी राजपीठ के लोग हैं वो लगभग लगभग पहुंच रहे हैं सभी संत पहुंच रहे हैं हम आपको ये सब बता करके ये बताना चाह रहे हैं कि हम सात दिन के अंतर्गत परम पूज्य श्री बद्रीनाथ बाले महाराज जी की यज्ञ की संरक्षण में रह करके सात दिन तक हम इस पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर महामहोत्सव मनाने की अंतिम तैयारी पर हैं कल उस तैयारी की अंतिम बैठक है गांव के लोग यज्ञ में बैठ रहे हैं गंज के लोग भी यज्ञ में बैठ रहे हैं बगल के आसपास के भी भक्तगण यज्ञ में हवन पर बैठ रहे हैं और यज्ञ के हवन के साथ दो और तीन मार्च को दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा जो सबके लिए होगा इसी पंडाल के अंदर होगा दो और तीन मार्च को दिव्य दरबार लगाया जाएगा एक मार्च के आयोजन को सत्ताईस से प्रारंभ करने का हमारा और कोई कारण नहीं अभी तक नहीं बताया हम बता देते हैं हमारे मन में था कि एक मार्च से पिछली साल का जो हमारा अनुभव है कि जब कार्यक्रम होता पीक पर तब भीड़ बहुत होती कुछ चीजें समझ में नहीं आती व्यवस्था में वो एन मौके पर उनको अवेलेबल करा पाना बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ से और रोड होना चाहिए इन तीन दिन के कार्यक्रम में हमने अपनी पूरी टीम ने मिलकर के ट्रायल किया है कि क्या कमी है और क्या सुधार करना है और क्या और व्यवस्था बढ़ानी है जगह तो जगह रोड बनाए गए जो समझ में आया तो एक बाईपास रोड बना दिया गया इसकी बहुत आवश्यकता है जैसे आज समझ में आया कि पार्किंग दूर होने से दिक्कत हो रही प्रशासन के लोग भी अभी हमारे पास आए कि पार्किंग में बहुत समस्या जा रही है तो फिर एक नया बाईपास रोड पार्किंग के लिए बनाया गया नजदीक में सामने में ताकि असुविधा ना हो तो ये तीन दिन का जो महोत्सव है अपने अपने राम की चर्चा एक हम यू मान करके चले आयोजन के पूर्व की तैयारी है लेकिन एक मार्च से आठ मार्च तक महाकुंभ होने जा रहा है जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं शायद लाइव चल रहा है तो जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलो बागेश्वर धाम करो भव्य दिव्य तैयारी महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पधारो आओ बागेश्वर धाम और आज की द्वितीय दिवस की संध्या भी हो गई रात भी हो गई विराम करना चाहिए क्योंकि कुछ मरीज भी बैठे हमें उनको भी मिलना है सामूहिक अर्जी भी लगानी है भूत बारो भी चिल्ला रो कोई आ गाओ जय हो भैया तोय ना मिली टेन। अब भाई प्रकट होगा पाले जी खा के आओ तो दस मिनट बाद आओ तो तत्न किलकारी मार दी जय हो तेरी तो अभी इन्हें भी भगाना है <laughs> और कुछ अतिथि भी आए विदेश से भी कुछ लोग आए हैं उनके रुकने की व्यवस्था गौशाला में है उनके प्रभारी बनाए गए हैं आपको कोई असुविधा ना हो बे। आपको दो चार छह दिन का समय जरूर देना पड़ेगा क्योंकि हमारी अति व्यस्तता है लेकिन कोई भी व्यक्ति निराश नहीं रहेगा हमारा प्रयत्न है कि आपको बागेश्वर बालाजी की कृपा भी मिल जाए और केवल कन्या विवाह महाकुंभ कराने का हमारा एक कारण है इस कार्यक्रम के माध्यम से बागेश्वर धाम पावन तीर्थ का जो संदेश है पूरे भारत को यही है कि मंदिरों से अगर इस प्रकार की गरीब बेटियों के विवाह का पानी ग्रहण प्रारंभ कर दिया जाए तो भारत की आधी गरीबी स्वता ही मिट जाएगी और इस कार्यक्रम में हम आज तक नहीं बोले जिसके लिए हमने ये कार्यक्रम इतना सजाने की प्रयत्न किया हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना की अब बोल देते हैं बोलना तो है ही है बोलना पड़ेगा भारत सरकार को मंदिरों को अपने अधिग्रहण से मुक्त करना चाहिए और भारत सरकार को यह समझना चाहिए हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ो मंदिरों का भार आपके पास रहे लेकिन मंदिरों की दान पेटियों से हज की यात्रा न करवाई जाए मंदिरों की दान पेटियां हम लोगों के द्वारा और पांच पांच रुपया गरीब लोग अपने बच्चों को भोजन नहीं कराते माताएं बुंदेलखंड की माताएं अपने छोड़ में पांच का सिक्का दस का नोट बांध करके लाती हैं दान पेटी में चढ़ाती हैं उन दान पेटियों से अगर हर मंदिर बड़ा बड़ा मंदिर चाहे वो कोई भी मंदिर हो नाम लेने से किसी को बुराई लग सकती है पर भारत के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं अगर उन मंदिरों से एक एक अस्पताल और हर साल गरीब बेटियों का विवाह और एक राम राम एक एक गुरुकुलम एक एक अस्पताल और एक एक वर्ष में गरीब बेटियों का विवाह रख दिया जाए भारत हमारा विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है इसीलिए हमने इस कार्यक्रम को इतने व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया है लेकिन इसकी संत सभा पांच तारीख को हम करेंगे पूरे भारत के जितने महंत हैं उनको बुलाने की कोशिश करेंगे और आज हमारे पास में चूंकि एक जने आई गए तो हम आपको बता दें खाटू श्याम के महंत परिवार के हाँ, बिटिया आई है उनके परिवारजन भी आए हैं हम उनको कहेंगे वहां के महंत जी को आना चाहिए तो अगर आपकी क्षमता हो तो उनको बुलवाओ और भी बाकी मंदिरों के जितने भी अधिपति हैं हम रोहित जी को कहेंगे आप लिस्ट बनाइए पांच मार्च को भारत के सभी संत महंत आचार्यों को बागेश्वर धाम पर आमंत्रित करो हमारा लेटर लिखवाओ हमारी बात करवाओ हम उनके चरणों में प्रार्थना करके बुलाएंगे उसी दिन हम लोग संकल्प लेंगे कि अब भारत में सरकारों के अधिग्रहण जो मंदिर हैं उनसे गुरुकुलम और औषधालय विद्यालय और गरीब बेटियों के विवाह के कार्य प्रारंभ करवाए जाएं इसीलिए यह आयोजन करवाया जा रहा है और ऐसा हो तो ठीक है नहीं तो एक साल छोड़कर अगले साल फिर 1100 कुंडी यज्ञ करवा करके भारत सरकार की सदबुद्धि के लिए यज्ञ करवाएंगे कि आपको सदबुद्धि आए और मंदिरों को अपने भार से छोड़ करके हॉस्पिटल बनवाए जाए पांच मार्च को हम सब ये करने वाले हैं आपसे भी प्रार्थना है अपने गांव के जितने भी महंत हो पुजारी हो आचार्य हो पांच मार्च का निमंत्रण उन्हें दे दो बुलाओ सभी मंदिरों के आचार्यों को आना चाहिए वरना धीरे धीरे बहुत स्थिति विचित्र हो जाएगी मंदिर सिर्फ दान पात्र में आने वाले रुपयों का अड्डा होगा मंदिरों के दान पात्र से केवल मंदिरों का विकास होगा समाज का नहीं होगा और समाज का विकास नहीं होगा तो भारत विश्वगुरु नहीं होगा समाज का विकास बहुत जरूरी है मंदिरों का विकास तो होगा होना भी चाहिए होगा होता रहेगा लेकिन समाज का विकास भी तो ये पांच मार्च की तैयारी हम लोग कर रहे हैं इसीलिए ये आयोजन रखा है अभी तक हमने बोला नहीं ना मीडिया को भी बताया बहुत गोपनीय विषय था बहुत बारी आज हमने इसलिए बोला कि थोड़ा सा ना सुखबुगाहट शुरू हो जानी चाहिए तो जरूरत पड़ने पर हम जरूरत पड़ने पर रामलला से मथुरा तक की यात्रा करेंगे अगर नहीं होगा तो राम लला से अयोध्या से कथा कैंसल करके कार्यक्रम स्थगित करके राम लला अयोध्या से मथुरा तक की हम यात्रा करेंगे लेकिन हर हाल में भारत के मंदिरों में क्यों क्योंकि हम लोगों को बांटा जा रहा कि मंदिरों से तो ब्राह्मणों का भर भला होता है इससे तो पुजारियों भर का पेट भरता है बात तुम्हारी सही है या गलत हमें नहीं पता इतना पता है कि मंदिर बहुत जरूरी है हमें सड़कों पर भीड़ हमें मंदिरों में भीड़ सड़कों पर तूफान चाहिए राम राज्य से भरा हमें हिंदुस्तान चाहिए अब तभी संभव होगा जब ऐसे कार्य प्रारंभ किए जाएंगे इसलिए आयोजन किया जा रहा तो तुम्हारी उपस्थिति जितने लोग लाइव देख रहे हैं इसको काट करके तुरंत डालें ये हमारा आज का ऐलान है पांच ये कार्यक्रम क्यों करवाया इसको तुरंत सब तक भेजें आचार्य जी आप तैयारी करो पांच दिन के अंदर जहां की यात्रा करनी हो करो पांच दिन के अंदर पांच मार्च को सभी भारत के संत महंतों को लाओ हमारी प्रार्थना करो क्योंकि पांच मार्च को कुछ विभूति आ रही है पांच मार्च को जूना पीठाधीश्वर हमारे भारत के संतों के शिरमौर श्री अवधेशानंद जी महाराज जी आ रहे हैं पांच मार्च को प्रदीप मिश्रा जी चार को अनुरुद्धाचार्य जी भी आ रहे प्रदीप मिश्रा जी भी आ रहे बहुत विशिष्ट विशिष्ट महात्मा बागेश्वर धाम पर उस दिन रहेंगे उसी दिन ये नई क्रांति भारत में प्रारंभ होगी इसके बाद फिर हिंदू राष्ट्र की यात्रा शुरू होगी ये तो झांकी है हिंदू राष्ट्र भी बाकी है भूलेंगे नहीं ना भूलने देंगे चुप हैं तो कायर मत समझना ये हमारे संस्कार हैं कि हम विनम्र भी हैं पर माला और भाला भी रखते हैं तो आप लोग कौन कौन पांच मार्च की तैयारी बहुत जोर से कर रहा है जरा हाथ उठाओ जय श्री राम तो आप सब लोग क्योंकि उस दिन पूरे भारत की नजर होगी सभी संत सभी अखाड़ों के महंत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी सबको प्रार्थना करेंगे कि उस दिन उस दिन दिन आए और अगर ये आगाज हो गया तो भारत में एक नया इतिहास लिख जाएगा बस इसी तैयारी के लिए हमने बुंदेलखंड महोत्सव अगली साल हो सकता है इतना बड़ा ना हो यह तय है क्योंकि बहुत श्रम लगता है बहुत संकटों से जूझना पड़ता है जेब में अभी खर्चा भी नहीं है कर्जा ले लेके काम चलाना पड़ता है और वे आ गई फटफटिया जिसे आप मोटरसाइकिल कहते हो बाइक आज बुंदेलखंड का दिन है तो बुंदेली में उसको कहते हैं फटफटिया मोटरसाइकिल को हमारी भाषा में कहते हैं फटफटिया क्या कहते हैं फटफटिया <laughs> तो फटफटिया आ गई 155 तुमने देखी हर बेटी को दी जाएगी बागेश्वर धाम से यह क्रांति पूरे भारत में जाएगी इसलिए आप सबका समय है आपको आना चाहिए गुरु आज्ञा भी है और ऐसे महोत्सव में आप भी कभी अगर इबारत लिखी जाएगी कभी इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा भी नाम उसकी नजर में होगा कि हाँ यह भी उस महाकुंभ में शामिल था जैसे कभी बागेश्वर धाम की चर्चा होगी तो गड़ा के पूर्वज तुम्हारे बच्चे नाती पोते कभी कहेंगे कि जब वो अमोक अमोक महाराज जी भय थे तब हमारे बब्बा उनके साथ रहे थे हमारे बब्बा ने उनके संग जग में जबरदस्ती बेदी लिखवाई मीटिंग जंगन में गए तो पूरी बात फिर वो बताएं फिर तुम बताओ अपने लड़कन हा लड़का बताएं अपने लड़कन हा कि हम ऊ खानदान के भागेश्वर पीठाधी से जो धीरन कृष्ण भय थे उनके संगे हमारे बब्बा रहे थे <laughs> है? तो इतनी बड़ी है, तुम्हारा नाम चलेगा कभी ये चर्चा होगी तो ये होना चाहिए कि नहीं खैर तो मैं तो कुछ भी कह दू होना चाहिए ऐसे लोग हो कि एक आयात दिन में बोला अली अली तुम ताली पीट रहे ता हमने लेकिन कहा नहीं हरी हरी तुरंत हमने पंडित जी को भेजा हमका, ये अली का नहीं बजरंग बली का देश है ये बजरंग बली का धाम है ये चलेंगे पाकिस्तान में यहाँ तो हरी हरी चलेगा तुरंत तो उसने हरी हरी अच्छा बच्चा है हरी हरी गाय हमें बुराई नहीं है किसी से लेकिन ये अपने बाप का है ये हनुमान जी का तीर्थ है हनुमान जी का मंच है हनुमान जी का है इसलिए यहां हरी हरी चलेगा क्या चलेगा हरी हरी हरा नहीं चलेगा हरी हरी चलेगा हरा बुध का रंग है कोई बुरा न मानना हरे कलर से हमें दिक्कत नहीं है हरा बुध का कलर है अब भाई किसी को अगर दिक्कत हो उसकी बिचारी की टेंशन है बुरा न मान एक बात बोले संत नहीं होते ना आज जो भारत का तिरंगा चांद पे लहरा रहा ना चांद पर भारत का तिरंगा लहरा रहा अगर ये भारत के संत नहीं होते तो तिरंगे में चांद लहराता आठ से नौ प्रदेश तुम्हारे हाथ से चले गए हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हिंदू क्या हो गए नौ प्रदेशों में धीरे धीरे तुम्हारी बारी है लेकिन हम हैं घबड़ाना नहीं है खैर पांच तारीख को शेष चर्चा करेंगे अभी सामूहिक अर्जी लगा देते हैं कुछ मरीज हैं कैंसर वाले भी बहुत से बीस पच्चीस मरीज बैठे हैं पूरी बागेश्वर टीम अभी कार्य भी कर रही है सामूहिक अर्जी लगा के जो अतिथि विदेश वाले आए हैं उनको हम कल टाइम देंगे विदेश वालों को कल या परसों जब हम पे समय होगा कल परसों में हम समय भेज करके गंभीर मरीज को हम मिल लेते हैं अच्छा हमारे हिसाब से गंभीर मरीज को यहीं से मिलवाने में उचित है वहाँ बहुत भगदड़ हो जाती यहाँ सबको दर्शन भी होंगे आप लोग प्रसाद पाया हो हमको कुर्सी दे दो जरा आसन दे दो जरा कुर्सी दे दो तो हम सामूहिक कर जिला अच्छा प्रसाद पाया कैसा लग रहा है आनंद आ रहा है ना एक ही शिकायत होगी हम नहीं मिल रहे नहीं आ... ये तो बनती है सिकाय चलती है इतना। आनंद आ रहा है ना अच्छी अभी अभी हमारे कहा गए हरिया भैया चले गए हाँ इन्होंने अभी जो दिखाया कैसा लगा जी जाए आओ रे हमारे शुक्ला जी बहुत गजब के खैर उनको मूछों में ही पहचाना जा सकता आप तो नहीं सही कह रहे थे सापत नहीं गाय होगा वाह 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 जय हो जय हो शुक्ला हाँ, जी हैं मुँछ साथ ही लेकर चलते हैं ताकि इन्हें लोग पहचाने तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा व्यंग था बहुत और आपका तो अभिनय और चेहरे का जो भाव हरिया तो हरिया अभी हमारे हरिया हिमालय यादव यहाँ बुंदेलखंड के तो स्टार ही हैं ये बच्चा बागेश्वर धाम पर एक फिल्म भी बना रहा है अच्छा कहा एक बार और बनाई थी शॉर्ट मूवी थी एक छोटा सा कार्यक्रम बनाया था अब पूरी फिल्म बना रहा है